गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो अबाउट मिंत्रा की शॉपिंग है। लाइक एरोस सेल चल रहा है, एंड ऑफ रीजन सेल। तो ये जो मैंने कुर्तियाँ ली है वहाँ से, वो पहले ही ली है सेल से पहले, लेकिन ये बेटर रहेगा ना, उसको वॉश भी किया है तो आपको मुझे रिव्यू देने में बेटर रहेगा। और वो एरोस सेल में और भी सस्ती मिल रही है। तो अभी एग्जैक्ट प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपने अकाउंट में जाके वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी, और अभी उसका क्या प्राइस है सेल में वो भी डिस्प्ले कर दूंगी स्क्रीन पे। तो आप स्क्रीन पे देख लेना, मैं कोई भी प्राइस आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि ये कुर्तियाँ कैसी है, मतलब आफ्टर वॉश कैसी है। बिकॉज पहले तो जो भी मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, वॉश करने के बाद ही समझ में आता है। वैसे एरोस सेल से भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, उसके भी वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन आपको ये हेल्पफुल हो कि अगर आप ये वाली कुर्तियाँ वहाँ से सिलेक्ट करते हो तो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। चलो तो वीडियो, तो ये सारी है वो कुर्तियाँ, और ये जो मैंने पहनी है वो भी मिंत्रा से ही परचेस की है। मोस्ट ऑफ दी मेरी कुर्ती सब मिंत्रा से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने पहनी है उसके बारे में। आपको साइड में स्क्रीन पे दिख जाएगा पूरा लुक कि कैसी दिखती है कुर्ती इन ऑल, और मैं जो ओरिजिनल मॉडल का फोटो है वो भी पोस्ट कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कुर्ती के ब्रांड की, इट इज़ लिबास, और बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड आई हैव कम अक्रॉस, बिकॉज ये वैसी ही लगती है। इसको एटलीस्ट मैं जब स्कूल जॉब करती थी तो एटलीस्ट मैंने बहुत 10 से 12 बार तो पहना होगा, तो वॉश भी उतनी ही बार किया है, बट स्टिल ये वैसी की वैसी ही है। ना ही उसके क्लोथ में कुछ डिफरेंस आया है, ना ही उसके अपीयरेंस में या कलर में कुछ डिफरेंस आया है। तो इस कुर्ती को आई विल गिव 5 स्टार। और आपको दिख रहा होगा इसके स्लीव्स बहुत ही प्यारे हैं, 3/4 है प्लस बेल स्लीव्स है, और यहाँ पे आपको ऐसे नाड़ी वाले अटैचमेंट दिखेगी जिसको आप अलग अलग स्टाइल से बांध सकते हो। यहाँ पे चेक्स वाला पैटर्न दिया है, और बहुत सा बड़ा लंबा लाड़ा है, हालांकि ये बहुत परेशानी देता है, बट अगर आप इसको अच्छे से टाई करोगे तो इट विल लुक फैबुलस ऑन यू। और इसका जो कलर है वो काफ़ी यूनिक है, मतलब एक नॉर्मल ऐसे रेड येलो वाइट वाला ऐसा कलर नहीं है, बहुत यूनिक कलर है। चेक्स पैटर्न है तो आपके बॉडी को भी वो बहुत अच्छे से सूट करता है, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और प्लीज़ गाइस जज मत करना, बिकॉज आई एम 7 month प्रेग्नेंट, तो वो मेरी बॉडी पे कुछ अलग दिखेगा, बट ओरिजिनल मॉडल का भी फोटो मैं डाल दूंगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये कुर्ती मुझे जहाँ तक याद है कुछ 600-700 के अंदर ही थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी उसका तब का प्राइस, और अभी सेल का प्राइस भी मैं यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी। तो ये हुआ फर्स्ट कुर्ता फ्रॉम द ब्रांड लिबास। तो ये वाले हॉल में मैं टोटल 3 कुर्तीज़ आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट भी हॉल आ रहा है उसमें भी 3 होंगी, और बहुत सारे हॉल्स आने वाले हैं एरोस सेल पे, बिकॉज वो 5 साल अभी ऑन द वे है। तो ये सेकेंड वाली है, तो ये सेकेंड वाली कुर्ती विद जैकेट है। तो बीच में मुझे बहुत सा क्रेज था कि जैकेट वाला मुझे कुछ लेना है कुर्तीज़ में, मतलब वो जैकेट भी हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं राइट, किसी और कुर्तीज़ के साथ। तो ऑब्वियसली ये भी मेरे सेम फेवरेट ब्रांड से है लिबास, तो ये मस्टर्ड येलो कलर में है, और ये उसकी मेन कुर्ती है आप देख सकते हो। तो ये अनारकली टाइप कुर्ती है, ए लाइन वाली, एकदम फुल लेंथ अनारकली नहीं है, इसको साइड में कोई कट वगैरह नहीं है, और इसका जो प्रिंट है वो पूरा फ्लावर प्रिंट, एकदम छोटे छोटे फ्लावर है, मतलब वो ज़्यादा भी झटक फटक नहीं दिखता है, एकदम सोबर, मतलब आप ऑफिस वेयर या आप कहीं कॉलेज में जाते हो, कहीं और जॉब करते हो तो उसके लिए भी पहन सकते हो बहुत आराम से। बहुत ही सोबर प्यारा डिसेंट कलर है, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है मस्टर्ड और ब्लू कलर का, स्लीव्स उसके ब्लू कलर के हैं, और स्लीव्स पे ऐसा फोल्डिंग पैटर्न दिया है जिसपे मस्टर्ड कलर की फोल्डिंग है। ये है एल साइज में, अभी पता नहीं मुश्किल है मुझे आएगी या नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगी पहन के आपको दिखाऊँ। तो ये है मेन कुर्ती, आई होप आपको दिख गई होगी, और ये है ब्लू कलर का जैकेट। तो आप ये कुर्ती सिर्फ वैसे भी पहन सकते हो ब्लू कलर की लेगिंग्स के साथ, और या फिर आपको जैकेट भी चाहिए, आप ह्यूमिड प्लेस पे नहीं रहते हो, ठंडे वंडे प्लेस पे रहते हो, तो आप आराम से जैकेट के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हो। ये भी फुल लेंथ जैकेट है और स्लीवलेस है, ताकि आपके स्लीव्स का काम भी उस पर छुप ना जाए।
सो दिस इज अ जैकेट, स्लीवलेस है, पूरा ब्लू कलर का है। आप इस जैकेट को भी किसी वाइट कुर्ती के साथ, जो प्लेन वाइट कुर्ती है उसके साथ भी बहुत अच्छे से पेयर अप कर सकते हो। इवन कोई ब्लॉक मतलब ऐसे प्रिंट वाला नहीं, एकदम ब्लॉक कलर जो होते हैं उसके साथ आप इसको अच्छे से प्रिंट कर सकते हो, जो अपोजिट कलर होते हैं। तो ये भी बहुत फुल लेंथ जैकेट है। ये बात हुई सेकेंड वाली कुर्ती की, इसका प्राइस भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। इसको भी मैंने बहुत बार धोया है तो ये एकदम जैसा का वैसा है। तो अगर आप लिबास ब्रांड से कुछ ले रहे हो तो बिंदास आग बंद करके ले सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है ये वाली, जो अगेन मस्टर्ड येलो में है। तो जिस टाइम पे मुझे जैकेट का भी क्रेज था उस टाइम पे मुझे मस्टर्ड येलो का भी बहुत ऐसे हो रहा था कि मैं मस्टर्ड येलो कलर ही लूँ। तो ये है, तो दिस इज फ्रॉम ब्रांड हियर एंड नाउ, HERE हियर एंड नाउ। तो ये कुर्ती है, तो अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो ये कुर्ती ना धोने के बाद ना उसका कलर गया है ना कुछ हुआ है, बट उसका जो फिटिंग है एज़ कम्पेयर टू लिबास ब्रांड का फिटिंग अगर आप अकॉर्डिंगली आपके साइज से कुर्ती लो तो बहुत प्यारा बैठता है, लेकिन इसका जो फिटिंग है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने हार्डली एक या दो बार पहना है, वो भी तब जब मुझे पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये पहन लिया था एक दो बार। तो धोया तो है इसको, कलर वलर कुछ भी फेड अप नहीं हुआ है, बट बहुत फिटिंग के बारे में आई एम नॉट हैप्पी। सो दिस इज ऑल्सो ए लाइन कुर्ती एंड उसके पास जैकेट है, मतलब वो अटैच जैकेट है। पहले मुझे लगा था कि अटैच नहीं है, मैंने भी ठीक से डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं था, बट अटैच जैकेट है, इसको आप निकाल नहीं सकते हो, उससे ही अटैच है। तो इसका फिटिंग मुझे अच्छा नहीं लगा और कपड़ा भी ठीक ठाक है, तो प्राइस के हिसाब से ठीक है। मुझे याद है बहुत कम प्राइस में लिया था मैंने, कुछ तो 400-350 ऐसा कुछ प्राइस था। अभी भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी नीचे, अगर आप चाहते हो फिर भी लेना तो ले सकते हो, क्योंकि कम प्राइस में ऑब्वियसली आपको ऐसे ही मिलेगा। तो या कपड़ा वपड़ा तो ठीक है, फिटिंग अच्छा नहीं है। तो गाइज ये थी 3 कुर्तीज जो मैंने आप लोगों को दिखाई, तो उसमें से 2 जो लिबास ब्रांड की है मुझे बहुत पसंद है, और थर्ड वाली थोड़ा सा लाइक नॉट श्योर, अगर फिर भी आप लेना चाहते हो तो सारों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। और प्लीज़ वेट करिए नेक्स्ट हॉल का, उसमें भी बहुत अमेजिंग कुर्तीज़ आने वाली हैं, तो उसका भी मैं आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस तरीके की वीडियो आप और चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत सारा प्यार देना, आई रियली नीड इट, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।